हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पर आपको मिलेंगे ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड वीडियोस, सॉरी पॉडकास्ट। सो अगर ऐसा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में एंसेस्टर कर्स जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गाइस, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने आगे पॉडकास्ट में कई बार कहा है कि मुक्ति दिलाना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुक्ति दिलाना इतना अच्छा वर्ड रहेगा। उन्हें बस अर्थ प्लेन से रिलीज़ करना है और उन्हें जो है अपने मार्ग में आगे बढ़ाना है। जैसे कि जहाँ भी कोई सोल जाती है डेथ के बाद, तो वहाँ वो चले जाए और जो है अर्थ पर अटके ना रहे, आपके सराउंडिंग में जो है वो अटके ना रहे। तो ये चीज़ बोलना ज़्यादा सही रहेगा। तो जहाँ पर भी मैंने कहा है मुक्ति दिलाना, तो आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे मुक्ति दिलाना ये वर्ड नहीं है, ये जो बात मैंने पहले कही है आप इसे वहाँ पर यूज़ करें। ओके, सो गाइस, एंसेस्टर कर्स होता क्या है? तो इसका मतलब है कि जब आपके कोई पूर्वज जो है वो अगर अर्थ प्लेन पे अटक चुके हैं, अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, तो ये जो अटकी हुई सोल होती है, यानी कि आपके कोई भी अटके हुए आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, वो आपके चार्ट में जो है ये कर्स जो है पैदा करती है। क्योंकि वो सोल आगे नहीं बढ़ी होती है, तो फिर वो चाहती है कि आप लोग भी आगे ना बढ़ो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ना हो, आपकी सोल ग्रोथ ना हो, आपके उन्हीं के तरह अटके रहो। तो वो इस चीज़ों के लिए पूरी कोशिश करती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप उस सोल को रिलीज़ नहीं कर रहे हो, तो वो आपको नीचे रखने की जो है आपकी जर्नी में पूरी कोशिश करेगी। वो आपके आपको इनर वर्क नहीं करने देगी, आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ आपका यूनियन नहीं होने देगी। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स के चार्ट में एंसेस्टर कर्स होता है, क्योंकि उनका ये एक सोल पर्पस भी होता है कि जो कोई भी उनके पूर्वज अटके हुए हैं उन्हें वो जो है मुक्ति दिला दे। तो यस, इसकी वजह से जो है काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स के चार्ट्स में जो है एंसेस्टर कर्स होता ही है। सो गाइस, एंसेस्टर कर्स वैसे आता कैसे है? हाँ, आप तो ये जानते हो कि सोल अटकी हुई है, तो ऐसी जो सोल्स होती है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम नहीं किया है, कुछ दान धर्म नहीं किया है, कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किए हैं, या फिर मेडिटेशंस नहीं किए हैं, भगवान को प्रे नहीं किया है, कभी उन्हें माना नहीं है, या फिर कभी ऐसा कुछ अपने आप पर वर्क नहीं किया है, तो इस तरह की जो सोल्स होती है यूजुअली वो अटक जाती है। और अगर किसी की सडन भी डेथ हुई हो, तो उनकी भी काफ़ी सारी विशेष जो है इनकम्प्लीट रहती है, तो इसकी वजह से भी जो है ये लोग जो है अर्थ प्लेन पर अटक जाते हैं और अपने मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनकी जो है यहाँ से छुटकारा जो है नहीं हो पाती है। तो ऐसे सोल्स जो है एंसेस्टर कर्स बन के आपके चार्ट में आते हैं, जबकि उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए हैं और वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ ही रहें, क्योंकि आप उनके आगे आगे आने वाली पीढ़ी हो। तो वो आपको जो है परेशान करते हैं आपकी जर्नी में, जैसे कि आपको इनर वर्क नहीं करने देना, आपको मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगाने देंगे, आपका मन वो जो है बार बार भटकाते रहेंगे, इस टाइप की चीज़ें वो करते रहेंगे। आप कुछ भी करने की कोशिश करो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, तो आपको उठाते रहेंगे। जैसे कि आप मंदिर में बैठ के पूजा भी कर रहे हो, तो कोई आपको आके कहेगा कि आप पूजा क्यों कर रहे हो, इससे क्या हो जाता है, इससे कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते हैं, आपको कर्म करना चाहिए और आपके कर्म पे यकीन करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको बार बार आपके सराउंडिंग के लोग आपको आकर बोलेंगे, और आपको जो है स्पिरिचुअलिटी के बात पर, आपके सेल्फ ग्रोथ के बात पर जो है आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये चीज़ें बार बार होती रहती है, आपका मन जो है डाइवर्ट किया जाता रहता है हर वक्त। तो इस तरह से ये सोल जो है आपको वर्क नहीं करने देती, आपको परेशान करते रहते हैं। सो ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि आप जो है आपका एंसेस्टर कर्स रिलीज़ करें, अगर आप आपकी जर्नी को लेकर सीरियस हो, अगर आप आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सीरियस हो और आप जो है एक परमानेंट यूनियन चाहते हो। इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है रिलीज़ हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से आराम से जो है इनर वर्क कर पाओगे। बस निगेटिव सोल जो है वो आपके काम में जो है बाधा नहीं डालेगी। वैसे मैं निगेटिव नहीं कहूँगी, क्योंकि वो
आपके एंसेस्टर है और उन्हें रिलीज़ करना आपका जो है एक सोल पर्पस भी होता है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि आप इसे रिलीज़ कैसे करें आपके कर्स को। तो मैं कहूँगी अगर शॉर्ट एंड सिंपल वे तो यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके घर वालों के यहाँ सपोर्ट है आपको, तो आप जो है एंसेस्टर कर्स डायरेक्टली किसी पंडित से वगैरह भी रिलीज़ करा सकते हैं। तो इसमें आपको जो है ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी वो रिलीज़ हो जाएगा पूजा वगैरह करके। दूसरी बात तो ये है कि अगर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर कर्स हो तो डेफिनेटली अगर आप खुद से रिलीज़ करना चाहें तो वो रिलीज़ नहीं हो पाता है या फिर उससे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे कि यू नो किसी सोल ने अगर सुसाइड की हो या उनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई हो तो फिर ऐसे सोल्स की काफ़ी सारी विशेस जो है इनकम्प्लीट रह जाती है। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है कि उनकी डेथ कब होने वाली है या फिर तो इसकी वजह से वो सोल जो है डेथ के लिए प्रिपेयर नहीं होती है। तो ऐसे जो सोल्स है उन्हें रिलीज़ कराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है जब आप खुद से कोशिश कर रहे हो। तो इस केसेस में जो है आपको डेफिनेटली पंडित से ही पूजा करवा के उन्हें रिलीज़ करना आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, बहुत यू नो सीवियर आप पे कर्स ना हो और वो सोल जो है आसानी से भी मुक्त हो सकती है, तो फिर आप डेफिनेटली कोशिश कर सकते हो। तो मैं आपको अब वेज बताती हूँ जिससे जो है आप आपके एंसेस्टर कर्स आसानी से रिलीज़ कर पाओगे। अगर वो काफ़ी स्ट्रांग नहीं है तो ऑफकोर्स, तो गाइस आपको जो है पुण्य करना है और उनके नाम से करना है। जैसे कि अगर आप किसी को कपड़े दे रहे हो, खाना दे रहे हो, कुछ डोनेट कर रहे हो, तो आपको ये कहना है कि मैं ये अपने एंसेस्टर के नाम से जो है डोनेट कर रही हूँ, कर रहा हूँ इस तरह से। और आप ये जो है पुण्य कर्म, तो इसका सारा जो पुण्य जाता है तो वो उन्हें मिले इस तरह से। और आपको जो है ये अमावस और पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना है, यानी कि न्यू मून और फुल मून के दिन आपको इस तरह से जो है डोनेशंस करने हैं। आपको उनकी सोल के लिए जो है गॉड की तरफ प्रे करना है। मेरे एंसेस्टर्स अटके हुए हैं, आप प्लीज़ मेरे पुण्य कर्म का फल जो है उन्हें दें और उन्हें जल्द से जल्द रिलीज़ करने में जो है हेल्प करें, उन्हें मुक्ति दिला दें। इसके साथ ही आप जो है गाय को या कुत्ते को जो है रोज़ 2 रोटियां भी खिला सकते हो, और इसका भी जो पुण्य कर्म होगा वो आपको आपके एंसेस्टर को दे देना है और गॉड से ये प्रे करना है कि गॉड मैं ये जो काम कर रही हूँ इसका पुण्य जो है अब मेरे एंसेस्टर्स को मिले। तो ऐसा करने के बाद आपका कर्स जो है एटलीस्ट 6 मंथ्स में जो है रिमूव हो सकता है। आप जो है कुत्ते को गाय को जो है 2 रोटी खिलाएं, डेली खिलाएं, उन्हें पानी पिलाएं और मेक श्योर कि आप उन्हें जो है ज़मीन पे ना डालें, क्योंकि बहुत सारा डर्ट और चीज़ें जो है वो उस यू नो खाने पर जो है लग जाती है। तो मेक श्योर कि आप ये हाथों से खिलाएं, आप यू नो चिड़ियों को वगैरह दाना पानी भी रख सकते हो, तो इससे जो है आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे, आपका अच्छा कर्म बढ़ेगा। और डिवाइन को आप ये सारी चीज़ें बोल बोल दीजिए, जैसे कि यू नो प्रे कर दीजिए कि मेरा ये कर्स जो है रिमूव कराने में मेरी मदद करे, मेरी हेल्प करे, और ये जो मैं पुण्य कर्म कर रही हूँ इससे मेरा एंसेस्टर कर्स या जो कोई भी कर्सेस मुझ पर है वो हील हो जाए, वो रिलीज हो जाए। इससे ये भी बात होती है कि आपके बुरे कर्म भी जो है बहुत जल्दी करने लग जाते हैं और आपका यूनियन भी आप यू नो बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, पा लेते हैं। आपके जो ब्लॉकेजेस है वो भी हील होने लग जाते हैं आपके पुण्य कर्म की वजह से। एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे भी है, अगर आपका कर्ज भी हट जाए तब भी आप ये जो है पुण्य कर्म जो है कंटिन्यूसली करते रहे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके गाइस, सो चलिए आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो इसी के साथ मैं इसे एंड करती हूँ। अगर आप ऐसी कोई चीज़ करते हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर लिखिए ताकि लोगों को जो है पता चले और उन्हें भी ये सारी चीज़ें करने के लिए आपसे जो है मोटिवेशन मिले। तो चलिए गाइस, बाय बाय।